Welcome to EduRev. Hello everyone, welcome to EduRev. My name is Khushbu Gupta and I am your chemistry educator. So today I will be continuing with the part 2 of the chapter Some Basic Concepts of Chemistry. So let us first look what topics we will cover. We will talk about properties of matter, units for measurement, what systems are used for this measurement, uncertainty in measurements, in which we will talk about accuracy, precision, scientific notation, and significant figures. So let us begin this chapter. So every substance has its own unique properties, and these properties can be classified as physical properties or chemical properties. So physical properties are those properties that can be measured or observed without changing the identity or composition of matter. Okay, and what are chemical properties? Chemical properties are those properties that can be measured or observed only when matter undergoes a chemical change. Examples se samajhte hain, like some of the properties are listed here, like color, order, melting point, boiling point, density. These are some of the physical properties. Suppose I take water as an example, represented by H2O, then what do we say about its physical properties? That it is colorless, orderless, it has a melting point of 0 degrees Celsius, right? So these are physical properties of water. But if I talk about, like, water is amphoteric in nature. What is amphoteric? Which means that it reacts both with acids and bases. So the reactivity of water comes under the chemical properties. What can be the other properties? Like acidity, basicity, flammability, combustibility, and rusting. So many properties of matter, like mass, length, volume, are quantitative in nature. इसका क्या मतलब है कि मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनको आप एस्टिमेट कर सकते हो कि वो कितनी है. ठीक है, क्वांटिटेटिव मींस कितनी है. एंड एनी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर फॉलोड बाय अ यूनिट. ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं इस बुक का. ठीक है, सपोज मुझे इस बुक की लेंथ मेजर करनी है. ठीक है, सो लेट से द लेंथ ऑफ दिस बुक is 50 centimeter. So by this I mean that this is my physical quantity जिसको हम measure कर रहे हैं. ठीक है, और numerical value से represent कर रहे हैं कि ये कितना है, और इसकी unit बता रही है कि ये किस unit में express किया हुआ है. So centimeter represent unit and 50 represents numerical value. ठीक है, सिमिलरली अगर आप इस लेंथ को मीटर में एक्सप्रेस करो, सो दैट कम्स आउट टू बी 0.5 मीटर. सो नाउ न्यूमेरिकल वैल्यू इज ऑल्सो चेंज एज वेल एज द यूनिट, राइट? सो यूनिट्स कैन बी डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एज फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स. सो फंडामेंटल यूनिट्स पहले देख लेते हैं क्या होता है. सो दीज यूनिट्स कैन नेवर बी डिराइव्ड फ्रॉम वन अनदर. ठीक है, नॉर दे कैन बी फर्दर रिजॉल्व इनटू एनी अदर यूनिट. जैसे एग्जांपल लेते हैं, लेंथ की यूनिट अगर मैं बोल रही हूँ कि सेंटीमीटर है या मैं बोल रही हूँ मीटर है, तो आप इसको फर्दर रिजॉल्व नहीं कर सकते, ना ही आप डिराइव कर सकते किसी और यूनिट से. ठीक है, सिमिलरली यूनिट ऑफ टाइम हम बोलते हैं सेकेंड. सो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द फंडामेंटल यूनिट, बट डिराइव यूनिट कैन बी एक्सप्रेस एज अ फंक्शन ऑफ मोर देन वन फंडामेंटल यूनिट्स. सो एक या एक से ज्यादा फंडामेंटल यूनिट्स को यूज करके जो यूनिट बनी है नई, उसको हम डिराइव्ड यूनिट कहते हैं. जैसे यूनिट ऑफ वेलोसिटी ले लेते हैं. यूनिट ऑफ वेलोसिटी हम क्या लिखते हैं? मीटर पर सेकेंड. सो मीटर इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ, राइट? एंड सेकेंड इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ टाइम. और इन दोनों को यूज करके आपने एक नई डिराइव्ड यूनिट निकाली वेलोसिटी की. सिमिलरली एरिया के लिए हम क्या लिखते हैं? मीटर स्क्वायर सपोज, तो इट इज ऑल्सो डिराइव्ड.
हाउ आप क्या बोलते हो, लेंथ इनटू ब्रेथ से मल्टीप्लाई करते हो, राइट? सो लेंथ की भी बेसिक यूनिट मीटर एंड ब्रेथ की भी मीटर, उनको मल्टीप्लाई करके एक नई यूनिट बन रही है एरिया की, विच इज अ डिराइव्ड यूनिट। लेट अस नाउ टॉक अबाउट सिस्टम्स फॉर मेजरमेंट। सो इसका नीड क्यों हुआ, क्योंकि जैसे देखो, जैसे अगर हम मास के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, मास कैन हैव अ यूनिट ऑफ किलोग्राम, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन पाउंड्स, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ आउंसेस, राइट? सो डिफरेंट कंट्रीज यूज डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट्स टू एक्सप्रेस द सेम फिजिकल क्वांटिटी विच इज मास। सो मेजरली टू सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट वर यूज, विच वॉज इंग्लिश सिस्टम एंड मीट्रिक सिस्टम। सो मीट्रिक सिस्टम वॉज फाउंड टू बी मोर कन्वीनियंट बिकॉज इट वॉज बेस्ड ऑन डेसिमल बेस सिस्टम। सो इवेंचुअली द साइंटिस्ट फेल द नीड ऑफ हैविंग अ कॉमन सिस्टम विच कैन बी अप्लाइड ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो ऑन द बेसिस ऑफ इट द एसआई सिस्टम वॉज डिराइव्ड एंड इट वॉज बेस्ड ऑन मीट्रिक सिस्टम। सो एसआई सिस्टम को हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं एंड इट वॉज डिराइव्ड इन 1960s, ओके? एंड दिस सिस्टम हैज 7 बेस यूनिट्स एंड दीज यूनिट्स परटेन टू 7 फंडामेंटल साइंटिफिक क्वांटिटीज। सो दीज आर दो 7 बेस यूनिट्स, लेट अस डिस्कस इन डिटेल। सो दिस टेबल शोज द फिजिकल क्वांटिटी and what SI unit is adopted for it. Like the first one is length. The symbol for this quantity is represented by small l. The SI unit of length is meter and symbol is used is small m. Similarly for mass, the symbol is small m, whereas the SI unit is kilogram, represented by kg. For time, it is second and represented by this. Electric current, this is capital I. It has an SI unit of ampere, represented by capital A. Temperature, represented by capital T, and has a SI unit of Kelvin, not degree Celsius, right? Amount of substance can be expressed in terms of mole, and it is written, the symbol is this. Luminous intensity, the symbol for this is IV, V in this subscript. And SI unit is candela, represented by CD. And ये जो सारी ही 7 units हैं, ये आपको learn करनी है SI unit क्या क्या होती है in इन quantities की। तो चलिए अब next देखते हैं, which is uncertainty in measurement. So basically होता क्या है, जब हम chemistry पढ़ते हैं तो आप experiments के साथ deal करोगे, आप कुछ chemical experiment करोगे और कुछ आप theoretical, मतलब जो आप जैसे भी theory पढ़ रहे हो उससे कुछ फॉर्मूलाज डिड्यूस करोगे। तो थियोरिटिकल से कुछ एक डेटा आपको मिलेगा एंड यू विल गेट सम डेटा फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है? बट इन डेटास को इन मीनिंगफुल वे में रिप्रेजेंट कैसे करना है और कन्वीनियंटली हम कैसे कर सकते हैं ताकि ये डेटा हमें रियलिस्टिक लगे, उसके लिए कुछ कुछ मेथड हम यूज करते हैं। फर्स्ट इज लाइक साइंटिफिक नोटेशन। सो वॉट इज साइंटिफिक नोटेशन? इट इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग नंबर्स that are too big or too small in a convenient way. Too big, जैसे आपको दिया हुआ data में अगर आप इसको देखने लग जाओगे तो while counting there is a chance that you might miss a zero. So better to represent it in a shorter form, right? And too small, like you will deal with some molecules that has mass of like this, which is too less. So chances of getting an error while noting down these values is also more. So in order to rectify it, we represent these type of data in terms of scientific notation. So as per the scientific notation, the number can be represented in the form of A into 10 raised to power n, okay? Where A can take values between 1 to 10 and n is an integral value. So it can has a positive value as well as a negative value. So now let us understand how to represent a number in terms of its scientific notation, right? So ye example dekhte hain. 0.4 times 0.16 diya hua hai. Theek hai, ab mujhe isko scientific notation mein represent karna hai.
अभी हमने क्या देखा, इसको रिप्रेजेंट आप a इंटू 10^n की फॉर्म में कर सकते हो। तो पहले आप क्या करोगे, डेसिमल्स को शिफ्ट करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएंगे, तो आपने कितने शिफ्ट्स लिए, 1, 2, 3, 4, 5, जितने डेसिमल प्लेसेस आप शिफ्ट करोगे वो ही आपकी n की वैल्यू होगी, ठीक है। अगर आप डेसिमल को राइट साइड में शिफ्ट कर रहे हो, ठीक है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। मीनिंग अगर मुझे इसका साइंटिफिक नोटेशन लिखना है तो वो हो जाएगा 1.6 × 10^-5। देखो डेसिमल आप यहाँ ले आए तो 1.6 इसलिए आया यहाँ पे, और 10^-5 क्यों आया, क्योंकि आपने जितने नंबर ऑफ शिफ्ट्स किए, विच इज 1, 2, 3, 5, वो उसकी पावर में आ गया 5। नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि आपने डेसिमल को राइट हैंड साइड शिफ्ट करा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पे अब जो हमारा डेसिमल प्लेस है वो हमें लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करना है, राइट, और कितने शिफ्ट्स लगाने हैं, 1 और 2, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, ठीक है। तो दैट मींस 3.5208 हमारा ये नंबर हो गया, इंटू 10^ जितने हमने शिफ्ट करे, 1 और 2 शिफ्ट करे तो 2 आ गया, और क्योंकि हमने डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करा तो इसलिए यहाँ पे पावर जो है वो पॉजिटिव हो, ठीक है। इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस देन ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। सो यू हैव टू रिप्रेजेंट दीज नंबर्स इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक नोटेशन, डू इट। तो ये क्या हो जाएगा, 456.98। देखो डेसिमल को हम लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो 4.5698 लिख लिया, दो शिफ्ट्स लगाए तो क्या हो जाएगा, 10^2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये वाले में देखते हैं, इस वाले केस में आप डेसिमल को राइट हैंड साइड शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 6.78, और कितने शिफ्ट करे आपने, 1, 2, 3, 4, तो इंटू 10^-4 हो जाएगा। सो नाउ लेट अस कैरी आउट सम मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन द नंबर्स दैट आर रिप्रेजेंटेड विद साइंटिफिक नोटेशन। तो पहले एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देखते हैं हम कैसे करेंगे। जैसे एग्जांपल में देखो आपको क्या दिया हुआ है, 6.02 × 10^3 प्लस 3.14 × 10^2। सो व्हाइल कैरिंग आउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, फर्स्ट यू हैव टू मेक द एक्सपोनेंशियल पावर कॉमन, मेक एक्सपोनेंशियल पावर कॉमन, ठीक है। जैसे अब मेरे को इसको 10^3 के टर्म्स में अगर कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डेसिमल प्लेस को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करना पड़ेगा, तभी तो पॉजिटिव पावर आएगी ना, जैसे हमने पीछे देखा था, है ना। तो हमने क्या लिख लिया, 6.02 × 10^3 एज इट इज प्लस 0.314 × 10^3। तो अब आप उसको क्या करो, जब आपने कॉमन कर दी तो उसको आप बाहर लिख लो, ठीक है। यहाँ इंटू क्या हो जाएगा, जो आपकी न्यूमेरिकल टर्म्स हैं उन्हें ऐड कर दो, दैट इज 6.02 प्लस 3.314। सो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 6.334 × 10^3, राइट। देन आपको सब्ट्रैक्शन अगर कैरी आउट करना हो तो आपको सेम करना है, पहले पावर को कॉमन कर लो। यहाँ पे एक 10^-3 है और 10^-4 है, आप किसी भी एक की टर्म में लिख लो। जैसे यहाँ पे मैंने इन टर्म्स ऑफ 10^-4 लिखा है, तो मैंने किया क्या है, अब देखो मुझे नेगेटिव में एक्सपोनेंशियल पावर बढ़ानी है तो मुझे अपना डेसिमल प्लेस राइट हैंड साइड शिफ्ट करना पड़ेगा, तो मैंने एक शिफ्ट लगाया और मेरी पावर क्या आ गई, 10^-4। अब आप इस पावर को कॉमन ले लो और जो न्यूमेरिकल टर्म्स है उनको सब्ट्रैक्ट कर दो, विच इज 51.2 − 2, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 49.2 × 10^-4। सो दिस इज योर आंसर। तो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेट मी डू इट हेयर एज वेल। फर्स्ट हमें क्या करना है, जो एक्सपोनेंट पावर है उनको कॉमन करना है, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे डेसिमल को एक प्लेस शिफ्ट कर रही हूँ, मेकिंग इट 0.72 × 10^4।
Now, since I shifted to left, that is why exponent power comes in positive, right? And simply adding 5.68 into 10 raised to power 4. So now what I have to do is that I have to take exponent power in common and simply adding the numerical values, which is 0.72. So if you add this, your answer comes out to be 6.4 into 10 raised to power 4, right? Here also, first we have to make the power common. So what I am doing is that I am shifting the decimal to right hand side, making it 43 into 10 raised to power minus 3, right? Minus 3.2 into 10 raised to power minus 3. So if I take 10 raised to power minus 3 common, then what I am left with is 43 minus 3.2. So my answer is going to be 39.8 into 10 raised to power minus 3. Right? Let us see how we will carry out multiplication and division. So first, let us see this example. Here we have to carry out multiplication. So in order to multiply two numbers written in scientific notation, what you have to do is that you have to multiply the coefficients and add the exponents, right? So here coefficients are 2 and 3, so multiply them, right? And you have to add the exponents, which are 3 and 4 respectively. So what we have done is 2 into 3 in multiplication with 10 raised to power 3 plus 4. So overall answer is 6 into 10 raised to power 7. ठीक है? Division कैसे करना है हमें carry out? तो देखो, we have to divide this number from this. So we have written in this form. Now what you have to do is that divide the coefficient separately, okay, like this, and subtract the bottom exponent from the top exponent, which means what? Here the bottom exponent is minus 4. So you have to subtract minus 4 from minus 3, which I have written here, right? So 4.8 divided by 1.2 is 4, and 10 raised to power minus 3 minus 4 is 10 raised to power 1. So overall answer is 40. So if you have understood this, then try to solve this question. Let me also do it here for you. So here we have to carry out multiplication, right? So kya karna hai uske case mein? Pehle aap coefficients ko multiply kar lo. Aur kya karna hai? Jo exponential powers hai, unhe hume add karna hai. Theek hai? To hum aise hi likh denge. So 5 into 3 is 15 into 10 raised to power 9 is the answer. Ab division ke case mein kya karna tha? Jo hamare coefficients hai, usko hum divide kar denge. इनटू जो हमारे एक्सपोनेंट्स हैं, तो बॉटम में देखो माइनस थ्री आएगा, तो हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे फ्रॉम माइनस टू, विच इज माइनस टू माइनस माइनस थ्री, ऐसे ही लिखेंगे. तो 12 डिवाइड बाय 4 इज 3 इनटू 10 रेज पर माइनस टू प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है, विच इज 3 इनटू 10 रेज पर 1 एंड इट इज नथिंग बट 30, राइट. I am finishing up my lecture here and will continue with significant figures in my next lecture video. I strongly recommend you all to get yourself enrolled to EduRev Infinity program. The key features being you get access to a mock test after visiting every video and you can get a library of over 10,000 questions for practice. You can access all the subjects in just one subscription. And the content is verified by highly qualified teachers. So, thank you.